दोस्तों कुछ हफ्तों से रेट्रीब्यूशन की टीम मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार पर लगातार हमला कर रही है, जिसके बाद सारे फैंस के मन में एक सवाल जरूर है कि कौन है ये रेट्रीब्यूशन के मेंबर। पर 5 तारीख को वे मंडे नाइट रॉ में रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स ने किसी सुपरस्टार पर हमला नहीं करा, बल्कि जब हैंडीकैप्ड मैच चल रहा था मंडे नाइट रॉ में, तब उन्होंने एक प्रोमो कट करा और रेट्रीब्यूशन ने WWE यूनिवर्स को संदेश भेजा। दोस्तों इस सेगमेंट के दौरान रेट्रीब्यूशन के 5 मेंबर मौजूद थे और जब यह सेगमेंट ख़त्म हो गया तब इनकी एक पिक्चर सामने आई और मैंने जब इस पिक्चर के ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाया तब इनके चेहरे थोड़ा बहुत पता चलने थे। तो आइए जानते हैं कौन है ये मेम्बर्स। दोस्तों बात करें पहले मेंबर की, तो जो बैक लेफ्ट में चेहरा दिख रहा है वो सेन थोन से काफ़ी मिलता जुलता है। बात करें बीच वाले जो कि बैक मिडिल में चेहरा है वो है डोमिनिक डिजाकोविक का, और जो बैक राइट में है वो है डियो मार्डिन का। डियो मार्डिन का चेहरा उतना अच्छा से पता नहीं चला है, लेकिन दोस्तों मंडे नाइट रॉ में एक फ़ोटो आई थी जिसमें यह साफ हो गया था कि वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि डियो मार्डिन है। दोस्तों बात करें आगे खड़े दो फीमेल रेसलर की, तो फ्रंट लेफ्ट में जो खड़ी है वो चेहरा मिया यिम से मिलता है और फ्रंट राइट में जो है वो है कैडन कार्टर। दोस्तों आपको बता दूं कि रेट्रीब्यूशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि दोस्तों रेट्रीब्यूशन अब स्मैकडाउन के हिस्सा नहीं है, यानी कि रेट्रीब्यूशन अब हमें मंडे नाइट रॉ में ही तबाही मचाते नजर आएंगे। वैसे दोस्तों अगर रेट्रीब्यूशन से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आती है तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर बताऊँगा, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को आने वाले अपडेट्स के लिए। वैसे दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब रेट्रीब्यूशन के मेंबर रिवील हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है क्या रोल होने वाला है रेट्रीब्यूशन का WWE में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले अपडेट्स के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।